बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ शुक्र अल्लाह पाक का। शाम का टाइम है और स्कूल से वापस आ गई थी और आज एकेडमी के बच्चों को छुट्टी है। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बस इंजॉयमेंट कर रहे हैं बारिश में। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और अभी थोड़ी हल्की हो गई है और इस वजह से बच्चे एकेडमी आज पढ़ने नहीं आए। और दोपहर का खाना वगैरह हमने खा लिया था और आज इस ठंडे मौसम में हम शाम टाइम करने लगे हैं कुकिंग। और आज हमारी फरमाइश पे हमारी सिस्टर बनाने लगी हैं पिज़्ज़ा, तो बहुत ही अच्छा बनाती है मेरी सिस्टर पिज़्ज़ा, तो बस सब खाएंगे इंजॉय करेंगे। चलें स्टार्ट करती हूँ अपना आज का व्लॉग। देखिए ज़रा शाम का टाइम है और माशाल्लाह से मौसम देखिए ज़रा कितना ज़्यादा प्यारा है और यहाँ पर देखिए ज़रा कितने ज़्यादा गहरे काले बादल आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा इस साइड पे जो है बिल्कुल वाइट है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बादल है। और आयत भी देखिए ज़रा ऊपर आ गई है, शूज़ पहने हुए मेरे। आयत इधर देखो, प्यारा मौसम है ना, आज बारिश में ना आई हो, इधर देखो तो आयत जो है वो मौसम इंजॉय कर रही है क्योंकि माशाल्लाह से बहुत प्यारा मौसम है। और अभी जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश होके हटी है लेकिन बादल देखिए ज़रा अभी भी बहुत ज़्यादा गहरे बादल है। ऐसे लग रहा है जैसे मरी यहाँ पे मरी का मौसम हुआ है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा ठंडा मौसम है, बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हुई है। ये ज़रा परिंदे जो है वो उड़ रहे हैं माशाल्लाह से। क्या यहाँ पे देखिए ज़रा कितना ज़्यादा फर्श जो है ये सारा गीला वगैरह हुआ है क्योंकि बारिश जो है वो काफ़ी होके हटी है और अभी फिर मुझे लगता है बारिश आने वाली है और ज़्यादा होने वाली है। यहाँ देखिए मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी भी और बहुत ही अच्छा मौसम है। और अभी बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी और अभी थोड़ी हल्की हो गई है, स्लो हो गई। और यहाँ देखिए हमने फर्श वगैरह साफ़ सारा कर लिया है लेकिन फिर भी अभी हो रही है बारिश। और यहाँ देखिए अम्मी जी खिला रही हैं जुहान को और जुहान जो है खेल रहा है और अम्मी जी जुहान ज़्यादा तंग तो नहीं कर रहा? नहीं। वैसे जुहान को आज बुखार है, है ना? जुकाम भी है बहुत ज़्यादा। हाँ तबीयत नहीं इसकी ठीक जुहान की, और लेकिन फिर भी इसके बावजूद जुहान खेल रहा है माशाल्लाह। और अम्मी जी मौसम चेंज हो रहा है ना, सर्दी नहीं है आज लग रही, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है अभी, बहुत थोड़ा कम हो गई है थोड़ी लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और जिसकी वजह से ठंड भी काफ़ी हो गई है ना अम्मी जी, सर्दी हो गई है ना। हाँ जी ये मौसम चेंज होगा अब, इसमें बुखार ऐसे ही रहेगा, बच्चे फिर इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। और अभी देखिए जुहान ने अपनी सारी चीज़ें नीचे फेंक दी हैं ये देखें, और अभी अम्मी जी इसको खिला रही हैं और आयत जो है वो ऊपर है, नूर भी ऊपर है, मौसम इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। और आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा, तो अम्मी जी आज चीज़ वाला पिज़्ज़ा बनेगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है वो, तो मेरा बहुत अच्छा बनाती है। तो बस अब हम तैयारी वगैरह करते हैं, देखते हैं कि चिकन वगैरह को गैस सबसे पहले चेक करते हैं। अम्मी जी गैस आई गई होगी? हाँ जी। तो अब गैस वगैरह देखते हैं और फिर चिकन वगैरह उबालते हैं। ये देखिए कितना अच्छा मौसम है, गहरे बादल आए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है और अभी बहुत तेज़ थी और अभी फिर स्लो हो गई है। और यहाँ देखें मेरी सिस्टर बना रही है डो, मैंने कहा ठंडा मौसम है तो आज जो है बच्चे भी नहीं एकेडमी के पढ़ने आए, तो मैंने कहा आज क्यों ना शाम का टाइम है और बनाते हैं पिज़्ज़ा, चिकन सॉरी चिकन चीज़ पिज़्ज़ा। तो चिकन वगैरह हम ले आए हैं, अभी जैसे ही गैस वगैरह आती है तो फिर जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले डो वगैरह तैयार करके रख देती हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से जो है वो राइस हो जाए। मैदा तकरीबन जो है मैंने आधा किलो लिया है और साथ में जो है मैंने इसमें ईस्ट वगैरह डाला है, चीनी थोड़ी सी क्रश करके डाली है, चीनी का पाउडर बना के। और अभी जो है मैं इसमें डालती हूँ घी, घी थोड़ा सा आधा कप मैंने जूट कर लिया है। मेरी बात सुनना, मेरी वीडियो बनाए। अच्छा हाँ कह रही मेरी वीडियो बनाए तो मेरे बाबा चीते लेके आए थे, मेरे एक बैग में ना आए चीते।
अच्छा स्टिकर लगाए दिखाओ तो देखिए आज कह रही है स्टिकर लगाए हैं तो इसलिए आज कह रही मेरी वीडियो बनाए और अभी जो आए थे ना इसने दूध पिया है और अभी आप घी डाल रही हैं। हाँ घी डाल रही हूँ। अच्छा बाकी इसमें बेकिंग सोडा आपने डाला है? हाँ बेकिंग सोडा नहीं इसमें ईस्ट डाली है। अच्छा ईस्ट डालते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा तो बेकिंग सोडा इसमें डालते हैं वो डालते हैं उसमें केक में थोड़ा सा। अच्छा केक में डालते हैं भी आधा। अच्छा अच्छा मुझे लगा कि इसमें आपने बेकिंग सोडा डाला है। अच्छा वैसे कोई मसला नहीं इसमें डाल भी सकते हैं आप लेकिन बहुत थोड़ा सा डालना है बराबर। अच्छा अच्छा रिदा आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है ना। आज तो मौसम बहुत प्यारा है। जब मैं स्कूल से आई हूँ बारिश हो रही थी। मेरे साथ भी सेम ऐसे ही मैं बारिश में बस घर आई हूँ पहुँची हूँ बड़ी मुश्किल से। माशाल्लाह पाक का शुक्र है कि ठंडा मौसम हो गया है लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा पानी है। गली में तो बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया है तो बारिश की वजह से फिर आज बच्चों को अकेडमी से छुट्टी करनी पड़ी बाहर में पैदा रहना होता है तो उनका भी फिर आने जाने का ज़रा इशू बन जाता है तो मैंने कहा आज आपको छुट्टी कर लें क्योंकि गली में हमारे बहुत ज़्यादा पानी है। ये तो है। मैंने कहा चलो बच्चे आज छुट्टी पे हैं तो आज ज़रा पिज़्ज़े बनाए जाएँ। बिल्कुल वैसे भी चीज़ पड़ी हुई है फ्रिज में। चीज़ हमने मंगवाई थी जिस दिन सालगिरह थी ना उस दिन हमने एक किलो की पिज़्ज़ा मंगवाई थी तो दो पिज़्ज़े बनाए हैं अभी पड़ी हुई है। चलो मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। हाँ बहुत ही अच्छा मौसम है। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है। डो वगैरह जो है मैंने बना के रख दी है और तकरीबन एक घंटे का गैस आना है तो फिर जो है वो चिकन वगैरह रेडी करती हूँ और डो भी थोड़ी राइस हो जाएगी। बिल्कुल और देखिए जरा माशाल्लाह से काफ़ी सारे बादल वगैरह आ रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हुआ है ज़बरदस्त मौसम हुआ है और यहाँ से देखो जरा आगे फूल भी लगे हुए हैं। वो मैं उधर आ नहीं सकती वो गीला हो जाएगा वो मोबाइल। बारिश हो रही है हल्की हल्की। बहुत प्यारा मौसम है और वाकई ठंडक भी बड़ी महसूस हो रही है। हाँ है ना ठंडक महसूस हो रही है। मुझे लगता है मौसम वगैरह चेंज हो रहा है। बिल्कुल गर्मी खत्म हो रही है ना। वैसे वो उस पौधे को ना काफी फूल लगे हुए हैं है ना। बूटी में बहुत फूल लगते हैं। हाँ इसमें काफी कलर्स के पिंक वाइट बहुत प्यारे फूल लगते हैं। यहाँ देखिए हल्का हल्का अंधेरा छा गया है और बारिश अभी भी हो रही है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और यहाँ देखते हैं सिस्टर मेरी बना रही है चिकन। चिकन की है और ज़्यादा से ज़्यादा प्याज वगैरह कर रही हूँ ब्राउन कर रही हैं जैसे ब्राउन होते हैं उसमें चिकन वगैरह डालते हैं बाकी जो है मसाले वगैरह डाल के ये सोया सॉस वगैरह सारे मसाले वगैरह मैटी अपने पास और अभी मैंने कहा जल्दी से चिकन तैयार करते हैं उसके बाद में फिर जो है वो डो वगैरह देखते हैं फ्राई करके तकरीबन जो है 10 मिनट में चिकन रेडी हो जाना है। और यहाँ देखिए आयत बैठी देख रही है मोबाइल कार्टून देख रही है आयत। देखिए जरा हमारा यहाँ तकरीबन रेडी हो गया है तकरीबन 2-3 मिनट और हैं और फिर देखा जो है सामान वगैरह भी सारा मैंने मंगवा दिए। इसमें जो है ये पूरा सॉस वगैरह यूज़ करेंगे और साथ में जो है ये जो टोमेटो है इसमें यूज़ करेंगे और जितना भी रेडी हो गए डो वगैरह भी माशाल्लाह से हमारी काफ़ी राइस हो गई है। अभी जो है डो वगैरह देखते हैं
और देखिए जरा माशाल्लाह से बारिश हुई जा रही है, बहुत ही प्यारा मौसम है। यहाँ देखिए अभी भी बारिश हो रही है और बहुत ही ठंडा मौसम है। रात का टाइम है तकरीबन 8 बजे का। पिज़्ज़ा वगैरह हमने खा लिया है, बहुत ही मज़ेदार मेरी सिस्टर ने पिज़्ज़ा बनाया था। और अब मैं नीचे आई हूँ और टीवी वगैरह देखती हूँ थोड़ी देर। और बारिश अभी भी बाहर हो रही है हल्की हल्की, और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, ठंडा मौसम है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। और अब मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आए। अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ मेरे को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।